यूट्यूब चैनल पिजन्स गैलरी। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त भाई खैर करिए से होंगे, फिटफाट होंगे। नादिर भाई के पास मैं मौजूद हूँ इस टाइम, और आज आपको इस वीडियो में ना तीन जोड़े दिखाएंगे जो नादिर भाई के घर के गोल्डन है। पठियाँ पठे हैं ये। ये मेरे हाथ में जो बर्ड है ये दसवें पर पे है, दसवां इसका छोटा है अभी। ये भी दसवें पे है। मजीद जो है चार पीस पीछे वो भी इन्हीं कलियों में है। एक बच्चा छोटा हो गया है ना, वो छः पर का है मेरे ख्याल से। तो इन गोल्डन कबूतरों की हिस्ट्री ये है कि ये कबूतर जो उनसे है ना नादिर भाई ने बेसिकली लिए थे अली भाई से, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट आया नादिर भाई के पास। और नादिर भाई ने ना बच्चे लेके साफ करवाए थे अली भाई से, और माशाल्लाह इनकी जो उनसे ना दो ढाई साल की मेहनत है इस पे। जी ऐसे ही इतना अर्सा हो गया कि ज्यादा हो गया? ज्यादा हो गया जी, तीन साल हो गए। तकरीबन तीन साल हो गए हैं जी। तो माशाल्लाह इनकी मेहनत है। और इंसान को ना हमेशा मेरे मुताबिक किसी ऐसी चीज़ पे काम करना चाहिए कि उसको कुछ अरसे बाद ये फील ना हो गया यार मैंने टाइम ज़ाया कर दिया अपना। ठीक है, नादिर भाई ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म पकड़ा, एक अच्छा ब्लड पकड़ा, उस पर वर्किंग की। तीन साल बाद इनको अब रिजल्ट मिला। वो रिजल्ट ऐसे मिला कि इन्होंने किसी भाई को भिजवाए बच्चे, उन्होंने जो सा एक बच्चा बीच में से छोड़ा। ठीक है, और वो बच्चा माशाल्लाह पिछले दिनों में बैसाख के एंड पे वो 7 बजे तक बैठा माशाल्लाह शाम को, वो इन्हीं गोल्डनों के खून में ब्लड में से था। ठीक है, इन्हीं का खून था। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि आप किसी ऐसी चीज़ पर काम करें कि जिसका आपको रिजल्ट मिले। ठीक है, उंगली हटा पीछे। तो नादिर भाई ने ना एक तो बात है कि आपको कोई मुखलिस दोस्त जो सा ना मिलना बड़ा ज़रूरी है। कोई भी चीज़, कोई भी फील्ड हो आपकी लाइफ में, अगर कोई मुखलिस दोस्त आपका है तो आपको वो गिरने नहीं देता। तो इसीलिए कहते हैं कि कुत्ता और यार जो सा ना हमेशा नस्ली रखना चाहिए, तो मौके पर धोखा नहीं देगा। तो नादिर भाई इधर अब आप बताएं कि आपने इनको कैसे लेके चल रहे हैं, और ये कितने पीस आपने लिए थे, और इनको आपने आगे से किस तरीके से लेके चल रहे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वाले। उम्मीद करते हैं सब भाई खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको और हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। ये मैंने करीम भाई तकरीबन अली भाई से लिए थे चार पीस। दो पीस थे मेरे पास 14 नंबर के पट्ठी पट्ठा, और एक पीस था 40 नंबर का जो अली भाई के दुबई वाली है। एक मेरे पास 40 का था, 2 14 के थे। तो एक मैंने फिर लास्ट टाइम में अली भाई से पट्टी लेकर आया हूँ, वो मैंने 40 के साथ लगाई। तो जो 14 की बहन थी वो मैंने 40 वाले नंबर के साथ लगा दी, क्रॉस उनका डाल 14 और 40 लगा दिया जी। 14 और 40 लगा दिया। और दूसरा, और जो मेरे पास 14 नंबर बचा था उसके पास मैंने फिर एक पट्टी अली भाई से खरीदी। वो उसके पाँव में कड़ी नहीं थी कोई भी, ऐसी ही थी पट्टी, बहुत अच्छी थी, वो भी चांदनी के ब्लड लाइन में थी। अच्छा, तो वो मैंने लगा दी माशाल्लाह, उसके बड़े अच्छे बच्चे निकले। फिर एक मैंने मादी कसूरी के साथ उसकी लगाई। अच्छा, कसूरी की मादी ना गोल्डन के साथ लगाई मैंने, उसके माशाल्लाह बच्चे उकाड़े वाला भाई ले गया था लास्ट टाइम, उसने मुझे बताया कि आप। तो नादिर भाई दूसरा जोड़ा जो उनसे वो आपने कैसे किस तरह लगाया, वो बगैर रिंग वाली पट्टी लेके आए? वो मैंने 14 नंबर के साथ लगा दी, उसमें माशाल्लाह मेरे पास बड़े अच्छे बच्चे निकले। उनका फिर बच्चे मैंने अकाड़े वाले भाई को भेजे, उन्होंने माशाल्लाह मुझे बताया कि यार आपके बच्चे मेरे पास इतने बजे तक उड़ा, 7 बजे तक, 7 बजे तक बैठा है, और उसके बाद अब उन्होंने वो जोड़े डाल लिया। जोड़े डाल लिया उन्होंने जी। लास्ट टाइम वो आए थे कह रहे थे यार हमें वो कोई पट्टियाँ बटे, मैंने कहा यार वो अब पट्टियाँ बटे नहीं है मेरे पास, इंशाल्लाह निकलेंगे तो आपको फिर मैं बताऊँगा। ये जो बच्चे हैं ये 40 नंबर के हैं, ये वाला, और ये भी बच्चा 40 का है, ये 40 के बेटे का बेटा है। तो जो दो पट्टियाँ आपको दिखाने लगे हैं वो भी 40 नंबर की। आपको दोस्तों शो करवाएंगे नादिर भाई को कुछ जो सा ना वो थोड़ा ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये बर्ड दे रहे हैं। ये पट्टियाँ सारे आपको शो करवाते हैं धूप में। लें दोस्तों ये शौक करें जी माशाल्लाह। ये 40 नंबर का पट्टा है जी, अभी दस्ता साफ हो रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा पट्टा बना जी ये।
भाई जो रिजल्ट दे रहे होते हैं ना परिंदे वो अच्छे ही हैं। अब ये इन्हीं में से बच्चा उड़ा ना आपका अकाडमी में, तो गुजारी बात अच्छा था तो उसने अच्छा परफॉर्म किया ना। क्या बात है, एक अच्छी ब्लड लाइन में काम कर रहे हैं दोस्तों नादिर भाई। इसकी तरह टेल शेल भी दिखा दें और नादिर भाई इसकी नली भी दिखाइए। अभी ये बिल्कुल यंग पट्ठा है और माशाल्लाह इसकी आप क्वालिटियाँ देख लें, बर्ड माशाल्लाह आपके सामने है, ये देखें माशाल्लाह। ये दूसरा बर्ड है दोस्तों, ये ना करीम भाई ये उसके भाई का बेटा है जो अभी पट्ठा दिखाया है ना। जी जी, उसके सगे भाई का ये बेटा है। वाह, और एक ही निकला है, एक ले गया था, एक दोस्त आया था वो ले गया था, एक ही बचा हुआ था मेरे पास, एक बचा एक वो ले गया। उसने बताया नहीं, उड़ाया उसने। अच्छा उड़ाया? उड़ाया उसने, मगर उसने बताया नहीं है कि उड़ा या नहीं उड़ा। वो ना बताया, आपको तो पता है ना। मगर ये है कि माशाल्लाह ये उड़ते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा उसका माशाल्लाह पार देखे। अभी ये भी दसवां निकालेगा माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे लग रहा है ये अपने दादे जैसा हो जाएगा, वो जो बड़ा 40। जी हाँ जी 40, उसी के ब्लड में से है ना। जी उसी में से पल्ला, इसके पल्ले और जो इसके दुम का कलर है ना वो वहाँ से पता चल रहा है। दुम देख लें इसकी, ये पूरी दुम है इसकी, ऐसे लग रहा है जैसे है ही नहीं। ऐसे ही है। उंगलियां देख माशाल्लाह, पंजा देखे कितना कुशादा है, बड़ा पंजा माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। और ये जो बड़ा 40 है उसकी तो क्या ही बात है ना, उसको ऊपर की माशाल्लाह। दोस्तों ये तीसरे नंबर वाला पट्ठा है और इसको आपको बता देते हैं डिटेल कि ये कितने पर का है। सबसे पहले इसकी आँख का चौक करें, ये एक नया जोड़ा लगाया है उसका पट्ठा है। पीली पलकें हैं माशाल्लाह जी इसकी, आँख देख देख लें। अभी ये 6-7 कली का मेरे ख्याल से, 7 कली का हो गया जी। पर देखें माशाल्लाह, पर देखें कितना चौड़ा है, मैं वही कहने लगा था, पर की चौड़ाई देखें माशाल्लाह। ये बीच में से भी इसने झाड़ दिए पर माशाल्लाह। ये माशाल्लाह ये 25 नंबर का, 25 नंबर रेंडर आ गया जी, 25 नंबर का जी। ये तीसरे नंबर वाला पट्ठा दोस्तों, ये जी भाईजान ये आपको 40 नंबर की पट्ठी का शो करवा रहे हैं, तो माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा माशाल्लाह, इंशाल्लाह जिसके पास भी जाएंगे ना माशाल्लाह माशाल्लाह मज़ा आएगा भाई जान। एक इसकी बहन और आपको दिखाते हैं, एक ही झोली की हैं दोनों बहनें
मेरे कबूतरों में एक क्वालिटी और भी है करीम भाई, बताएं। वो क्वालिटी ये है कि एक झोली में एक पट्ठा और बाकी अगर तीन झोलियां ना तीनों में पट्ठियां ही हैं। आप देख ले मेरे खुदे में सारियां पट्ठियां पड़ी हैं। हाँ पट्ठियां ज्यादा हैं, तो पट्ठे सिर्फ दो तीन हैं मेरे पास। वाह वाह वाह, आप ले जाए मौसम भाई जो आपको अच्छा लगता है यार। माशाल्लाह दोस्तों शौक करें, बड़ी क्लासिकल माती माशाल्लाह। दूसरी पट्टी का भी शो करवाते हैं जी, माशाल्लाह आपको बड़ा मजा आएगा। ये भी मेरे ख्याल से 6-7 कली की है। अली भाई आए थे, अली भाई कहते माशाल्लाह यार आपके पास तो मादियों का ढेर लगा हुआ है। लकी हैं भाई आप, पर चेक करें इसका 7 कली की होगी ये भी माशाल्लाह। अरे इसको 40 नंबर ही रिंग डाला हुआ मैंने, ये देखे 40 नंबर 40 नंबर माशाल्लाह। बड़े मीडियम से साइज की माती है माशाल्लाह। पट्टियाँ मुझे बड़ी पसंद आई हैं, हैं बड़ी अच्छी पट्टियाँ हैं। मतलब भैया आपको दे देंगे पट्टियाँ, काफ़ी पट्टियाँ हैं। टेंशन ना लो, कई 200 का पास भी जाने दो माल। माशाल्लाह यार माशाल्लाह। नादिर भी ये कितने नंबर है शो करे, ये भी 40 की सकी बहन है उसकी। वाह वाह वाह, दोनों बहनें माशाल्लाह। जो पहले 40 का पट्ठा दिखाया उसकी सकी बहन है ये माशाल्लाह। उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को भी मजा आ रहा होगा। मजा बहुत आ रहा है इंशाल्लाह, मजा आएगा आगे वो माशाल्लाह बोले या ना बोले मजा जरूर है। किसी दिन करीम भाई इंशाल्लाह बड़े जोड़ों का भी शो करवाना है, 14 की पूरी फैमिली का। लोगों ने पीछे पड़ जाना आपकी, 40 की पूरी फैमिली। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, मैंने वीडियो बना देनी है। आप तैयार रहिएगा फिर। नहीं वो जब बच्चे हो फिर आपको मोबाइल रात को फिर साइलेंट पे करके सोना पड़ेगा। जो पहले नंबर पे 10 आफकर पट्ठा दिखाया, इसकी डेल देखी माशाल्लाह पूरी है दुम्बे इसकी। ये ना कहना यार इसमें से, ये देखे ये भी देखे माशाल्लाह, इसको भी 40 नंबर रिंग डाला हुआ माशाल्लाह माशाल्लाह। लें जी दोस्तों, बड़ा अच्छा ब्लड तैयार किया है नादिर भाई ने, और मज़े की बात यह है कि बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ गए हैं इनके, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं इनके। और इत्तेफाक की बात है कि हम लोग जो सा ना इधर ही मौजूद थे जिस दिन वो भाई आए हुए थे उकाड़ा से, तो हम भी इधर आ गए, तो वो भाई भी उकाड़ा से आए हुए थे, साथ अपने को 2-3 दोस्त भी लाए हुए थे। तो माशाल्लाह उन्होंने शौक किया यहाँ पे आके, और उन्होंने बताया, ये भी उनकी मेहरबानी कि उन्होंने हमें बताया कि यार कि इतने बजे तक बैठा। हाँ वो अंदर चले गए थे कुत्ते को, तो लेकिन ये उनकी मेहरबानी कि उन्होंने सीधी बात बताई कि भजन इतने बजे तक आपके घर का बच्चा उड़ा है, नहीं तो कौन बताता है कि नहीं नादिर भाई, किसी जल्दी कोई भी नहीं बताता। बड़े बंदों ने आप कह रहे हैं दोस्त ले, दोस्त को दिया उसने नहीं बताया, उसने भी नहीं बताया, उसका सका भाई मैंने उसको दिया दोस्त को, तो फिर उसने भी नहीं बताया उड़ा या नहीं उड़ा, पम जाए काट ले भाई मुझे बताना। बेसिकली वो उड़ाने के लिए ले गया था, नहीं वो मेरे ख्याल से भाई ने काटा। ये भी एक नया जोड़ा लगाया माशाल्लाह, जो इस तरह के होते हैं ना कई दोस्तों के पास, वो कह देते कि यार तस्वीर वाले हैं इसकी आंख देख लें। इस तरह मैंने देखे हैं वीडियो में कई भाई क्या देते यार तस्वीर वाले, मगर ये गोल्डन है मेरे पास, तस्वीर वाले नहीं है। तो ये देखिए माशाल्लाह बान ऐसे ही गए हैं जैसे तस्वीर वाले हैं, ऐसे ही है। ये करीम भाई की मोहब्बत है और ये अली भाई की मोहब्बत है माशाल्लाह, भाई हैं बड़ा लव करते हैं यार जी आप हमारे माशाल्लाह, इतनी मेहनत करते हैं आगे वीडियो बनाते हैं, अल्लाह ताला इनको इज्जत दे।
और अल्लाह ताला आप भाइयों को भी सबको इज्जत दे यार जो हमें लाइक फॉलो करते हैं। ये कितने पर गए नादिर भाई? ये मेरे ख्याल से 6-7 तीन पर गए, चार कली का तीन कली का तीन पर गए, तीन पर गए। अच्छा ये अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ नोट करें कि तीन पर में इसकी आँख कितनी साफ है, हालांकि इतनी जल्दी जो है ना ज़्यादातर मोस्टली कबूतरों की आँख जो होती है ना इतने परों में, तीन पर में दो पर में साफ नहीं होती, इसकी आँख बहुत साफ है। इसकी दूसरी आँख का शौक करना चाहते हैं ये दोस्तों, ज़रा शौक करें, ये तीन पर में इसकी आँख इतनी शीशा हो गई है, ये देखें माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, और इंशाल्लाह ये बच्चा अभी बहुत मज़ा देगा। अगर मज़ा किसी भाई को ना आए तो फ़ोन करके अपने पैसे वापस मंगवा सकता मेरे से, इंशाल्लाह ये इतना मज़ा देगा बच्चा। ये भाई ये जोड़ों वाला बच्चा है, मज़ा क्या लेना है इसके, आगे से ब्लड में ब्लड के मज़े लेना है इनके। मैं स्टैंडिंग दिखाता हूँ दोस्तों आपको, लें दोस्तों ये माशाल्लाह से बर्ड्स हैं जी, तीन जोड़े हैं दोस्तों, और जोड़े जो उनके सारे रिजल्टेड और इनकी हिस्ट्री सारी जो सी है वो वीडियो में बता दी गई है। उम्मीद है कि आप दोस्तों भाइयों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह जी मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।